हाय गाइस, आई एम आदित्य। तो चलिए गाइस, जो आज हमारा जो लाइव सेशन है उसमें आज हम लोग सिनोनिम्स को एकदम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं। गाइस, इससे मैंने आप लोगों पहले वाले सेशन में आप लोगों सिनोनिम्स के 10 वीडियोस में आप लोगों काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स थी उनको मैंने क्लियर कर दिया है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले आप लोग सिनोनिम्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पर्यायवाची, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो हमारा सबसे पहला है वो है अल्टर। देखिए जो गाइस, जो अल्टर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चेंज यानी बदलना, ठीक है ना। तो आप इसका जो सेनोनिम्स बोलेंगे वो आप इसका क्या बोल सकते हैं, चेंज बोल सकते हैं। अगर आप इसका सेकंड भी बोलना चाहेंगे तो आप लोग उसको कन्फर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कन्फर्म। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड। क्या है बिल्ड? बिल्ड का अर्थ होता है बनाना। क्या करना? बनाना। जैसे कि किसी चीज़ का मरम्मत करना, या बोल सकते हैं जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी, तो वहाँ पर हम लोग बिल्डर बोलते हैं ना, जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिल्डर बोलते हैं। तो उसे पूरा बिल्ड का अर्थ होता है बनाना। क्या करना? बनाना। उसको जो आप लोग सेनोनिम्स बोलेंगे वो आप बोल सकते हैं मेक या कंस्ट्रक्ट। क्या बोल सकते हैं? मेक या कंस्ट्रक्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है किसी को क्या करना? परमिट देना, मतलब अनुमति देना। क्या देना? अनुमति देना। तो अलाउ का जो सेनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परमिट। क्या हो जाएगा? परमिट। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, अडेप्ट। अडेप्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ में कुशल होना यानी दक्ष होना। क्या होना? एक्सपर्ट होना। तो आप उसका सिनोनिम्स क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो देखिए गाइज, जो नेक्स्ट था हमारा वो था एम्यूजमेंट। तो गाइज, एम्यूजमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आनंद। क्या होता है? या आप बोल सकते हैं मनोरंजन। तो इसका जो आप लोग सेनोनिम्स बोलेंगे वो आप इसका क्या सेनोनिम्स बोल सकते हैं? इंटरटेनमेंट। क्या बोलेंगे? इंटरटेनमेंट। तो गाइज देखिए, जो हमारा नेक्स्ट है वो है एम्यूज़। क्या है? ओनली, सॉरी, यहाँ पर एम्यूज़ है, ए है, तो एम्यूज़ है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एम्यूज़। एम्यूज़ का अर्थ होता है केवल मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। उसका आप बोल सकते हैं इंटरटेन। क्या बोल सकते हैं? इंटरटेन करना, किसी को मनोरंजित करना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एबहॉर। क्या है एबहॉर? एबहॉर का अर्थ होता है घृणा करना, ठीक है। तो उसका आप लोग जो सेनोनिम्स बोलोगे क्या बोल सकते हैं? हेट। फिर से ध्यान से समझिए, जो एबहॉर वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एबहॉर का जो सेनोनिम्स होता है वो आप बोल सकते हैं हेट यानी किसी से घृणा करना। तो एबहॉर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है घृणा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा एडमिट। एडमिट का अर्थ होता है किसी को स्वीकृति देना, ठीक है, स्वीकार करना। तो उसका आप लोग जो सिनोनिम्स बोलेंगे आप कॉन्फेस या एक्सेप्ट बोल सकते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल।